कोई भी गाड़ी हिट या सुपर हिट कैसे कही जा सकती है, उसकी मंथली सेल्स फिगर की अगर बात करें तो उसको देख के हम कह सकते हैं कि गाड़ी हिट है या नहीं है। अगर हम बात करें महिंद्रा की तरफ से आने वाली 3XO, तो उसकी जो मंथली सेल है गाड़ी की वो लगभग 8,500 यूनिट पर मंथ की होती है। वहीं इसकी प्रीवियस जनरेशन की अगर बात करें जो XUV300 आती थी, उसकी मंथली सेल जो होती थी अराउंड 5,000 यूनिट भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। तो ये सेल्स फिगर बहुत अच्छी है 3XO की। इससे ये साबित होता है कि प्रीवियस जनरेशन से जो ये 3XO है ये काफी गाड़ी जो है हिट है, राइट। तो महिंद्रा भाई साहब बिल्कुल एकदम बहुत क्लेवर है इस चीज के अंदर, वो मास्टरी है उसके पास। जैसे ही गाड़ी हिट होना शुरू होती है, सेल्स फिगर अच्छी होनी शुरू हो जाती है, वो वेटिंग पीरियड इतना ज्यादा पहुंचा देता है कि उसके आप लोगों को दो इंपैक्ट पड़ेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इंपैक्ट उन लोगों को पड़ता है जो कंफ्यूज होते हैं कि क्या सच में मैं ये जो गाड़ी ले रहा हूं ये सही है या नहीं है, तो वो क्या करते हैं वेटिंग पीरियड टाइम सुन के कैंसिल कर देते हैं और दूसरे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी तरफ गाड़ी लेके अच्छी डील ले लेते हैं। लेकिन जो भाई गलत न्यूज है, जो बैड न्यूज है, वो उनके लिए है कि जो जेन्युइन बायर होते हैं जिनको वो 100% गाड़ी चाहिए होती है, चाहे वो कितना भी रुकने को तैयार हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि XUV 3XO पे जो वेटिंग पीरियड पहुंच चुका है वो 1 साल से भी ऊपर पहुंच चुका है। 3XO के मॉडल की अगर बात कर लें तो MX1 जो इसका बेस मॉडल है उसके ऊपर पेट्रोल वर्जन में भैया 1 साल से भी ऊपर वेटिंग पीरियड पहुंच चुका है। डीजल में तो भाई पता नहीं कि कितना वेटिंग पीरियड है। MX2 या MX2 Pro जो मॉडल है उसके ऊपर पेट्रोल के अंदर 7 से 8 महीने का जो है वेटिंग पीरियड है, वहीं डीजल में इसका जो है 1 मंथ का वेटिंग पीरियड है। MX3 या MX3 Pro के ऊपर 6 से 7 महीने का वेटिंग पीरियड है पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर इसका 1 मंथ का वेटिंग पीरियड है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टॉप मोस्ट मॉडल AX5 की। AX5 के ऊपर 8 महीने का वेटिंग पीरियड है पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर 1 महीना है। अब बात कर लेते हैं AX5L के जो मॉडल आता है 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड है इसके अंदर, डीजल के अंदर इसका जो डेटा अवेलेबल नहीं है। टॉप मॉडल AX7 के ऊपर 2 महीने का वेटिंग पीरियड है पेट्रोल में और डीजल के अंदर 1 महीने का है, और टॉप मॉडल AX7L के अंदर 2 महीने का पीरियड है पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर 1 महीने का। इस फिगर को देख के एक चीज ये साबित होती है कि जो पेट्रोल का वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है पेट्रोल वर्जन को कंसिडर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डीजल। अब जो MX1 जो बेस मॉडल होता है, पहली बात तो महिंद्रा जो बेस मॉडल होते हैं वो बहुत कम यूनिट उसकी बनाती है, वो चाहती है कि उसके टॉप मॉडल ही बिके। अब बात कर लेते हैं कि ये स्कैम है या स्ट्रेटेजी है। या तो ये स्कैम है डिलीवरी टाइम का, या ये एक बहुत क्लेवर सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है XUV 3XO को हिट से सुपर हिट बनाने के लिए। कई लोग इसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि भाई नहीं, ये तो एक भाई मतलब हवा बनाई क्रिएट की जाती है मार्केट के अंदर कि सच में ये गाड़ी बहुत ज्यादा सुपर हिट है, ताकि उसकी जो सेल्स है वो एक्चुअली में बूस्ट हो सके और डिमांड उसकी जो है बढ़ सके। अब इस बात से कॉन्क्लूजन क्या निकलता है कि जो वेटिंग पीरियड होता है वो क्या सच में ये साइन या इंडिकेशन होता है कि ये जो गाड़ी है ये सक्सेसफुल लॉन्च है, लोग इंतजार कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि भाई यही गाड़ी खरीदनी है, इसके अलावा तो सेगमेंट में कोई गाड़ी बची नहीं है। जो पोटेंशियल बायर होते हैं ना उनके लिए सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट हो जाता है, कि उनके भाई दिल को देखो कितनी ठेस पहुंचती होगी कि जब एक एक साल तक किसी को इतना ज्यादा वेटिंग पीरियड देख के इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।